जिस प्रकार जल में नाव रहती है और नाव जो चलती है वो जल में ही चलती है, लेकिन जल में नाव रहे तब तक तो ठीक है, अगर नाव के अंदर जल प्रवेश कर गया तो क्या होगा, वो नाव डूब जाएगी। ऐसे ही हम संसार में रहें जब तक तो ठीक है, लेकिन ये संसार हमारे हृदय में प्रवेश कर गया, ये संसार हमारे हृदय में समा गया तो हम भी इस भव सागर में डूब जाएंगे। हमारे हृदय में तो हमारे ठाकुर जी का निवास होना चाहिए, गोविंद का वास होना चाहिए, श्री हरि का निवास होना चाहिए, लेकिन बड़ी विडंबना है। आजकल जनमानस में अधिकांश छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, बिगड़ने के बहुत सारे साधन सुलभ हो चुके हैं, और परिवारों में हम जाते हैं तो देखते भी हैं, 2 महीने का 4 महीने का बच्चा और उसके हाथ में मोबाइल, उसके सामने मोबाइल दिखा दिखा कर उसको खिलाते हैं। अरे 12 महीने का होता है तो वो मोबाइल चलाने लगता है, बोलना नहीं सीखता लेकिन मोबाइल चलाना सीख जाता है, बड़ा आश्चर्य है। माताओं को चाहिए कि जब अपने बालक को खिलावें तो भगवान के गीत गावें। पहले की जो वृद्ध माताएं होती थी, छोटे छोटे बच्चों को जो पालती थी दादी नानी, तो वो भगवान का कीर्तन गाया करती थी और बालक सो जाया करता था। और आजकल तो ऐसे ऐसे गाने चलते हैं जिसका कुछ पता ही नहीं चलता कि नाम क्या है, भाव क्या है, बोल क्या रहा है। गोविंद का स्मरण आप बाल्यकाल से ही बालक को श्रवण करवाइए, और हम तो कहते हैं बाल्यकाल से ही नहीं, जब मां के गर्भ में बालक रहे तो उस मां को ही कथा कीर्तन श्रवण करना, भक्ति भजन पाठ पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि मां के गर्भ में जब बालक रहेगा, मां जैसा आहार विहार करेगी, जैसा आचरण करेगी, उसका असर उस गर्भस्थ शिशु पर होगा, और गर्भस्थ शिशु मां के जो आचरण है, आहार है, विहार है, उनकी मानसिक स्थिति के अनुसार जो उसके लक्षण होंगे। जो माताएं ज्यादा क्रोध करेंगी उनका बालक कम बुद्धि का होगा, टेंशन ज्यादा करेंगे, क्रोध ज्यादा करेंगे, बालक कम बुद्धि का होगा, तेज मिर्च मसाले खाएंगे, बालक क्रोधी पैदा होगा, भगवान का भजन कहीं करेंगे, सत्संग करेंगे तो भक्त बालक पैदा होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।